जब जब चुनाव आता है तो उम्मीदवारों पर सबकी नजर चली जाती है, कोई उनका खाता खंगालता है, कोई उनकी हिस्ट्री खंगालता है। तो चलिए अब जरा खाते की थोड़ी सी बही खाता थोड़ा सा खंगाल लिया जाए एक उम्मीदवार का। राजकोट वेस्ट से एक उम्मीदवार है, नाम है भूपेंद्र पटोलिया। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस चुनाव के अंदर सबसे गरीब कैंडिडेट हैं। वैसे आपको बताया कि राजकोट वेस्ट जो सीट है इसका रिप्रेजेंटेशन 2002 में नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उस समय वो वहां उस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे और अब भूपेंद्र पटोलिया इस सीट से चुनाव मैदान में हैं। आई ऐसी चली गई, झपट के आई, झपट के गई। अब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है? कुछ है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो बताए आपको क्या है, कौन से मुद्दे को लेकर आप? क्योंकि अभी मैं रिटायर्ड हुआ ने 15 बरस हो गया, तो जो कुछ थे वो दे दिया बच्चे को, तो अब मेरे पास क्या होगा? पेंशन? तो आप सिर्फ अपनी पेंशन पे खर्चा करते हैं? हाँ, पेंशन से रहते हैं। तो अब किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? अरे ये मेरी असेंबली का एरिया, ये एक बिल्डिंग नहीं है। हाँ, यहाँ से नाना मवा मवा तक है असेंबली, रैया गांव है। ठीक है, तो आप प्रचार के लिए जा रहे हैं? प्रचार के लिए अब जाऊंगा। कब जाएंगे? अभी कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव में, पहले फेज में इलेक्शन। नहीं बोला जाता जो बात खानगी है वो। अच्छा, तो अब आपके प्रचार में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है क्या? ना करेंगे, सबको ना बोला है अभी नहीं। तो गुजरात का चुनावी रंग तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं सूरत से सीधा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी एक दंगल लड़ा जा रहा है और वो दंगल है नगर निगम का। और इस दंगल में भी पूरी ताल ठोकी जा रही है, पूरे दमखम के साथ ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, और तीनों ही पार्टियां दम भर रही हैं कि इस बार जनता का सहयोग उन्हें मिलेगा। लेकिन क्या मुद्दे हैं, कौन सी चुनावी चुनौतियां हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग सोच रहे हैं, नेता सोच रहे हैं, इसको टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। जलम इस जलम नहीं होगी केजरीवाल की एमसीडी? एमसीडी की इस जलम में ना होगी? नहीं होगी यार, भाई यूपी और हमारे यार, एक मिनट यार, वोटर वही है, विधानसभा में वोट कर देते हैं केजरीवाल को, अब इसमें बता रहे हो कि इस जन्म में नहीं होगी एमसीडी, वोटर क्या कहें बाहर से आ जाते हैं? इतनी बढ़िया एमसीडी में सफाई चल रही, जैसे बढ़िया का गंदगी चाहिए केजरीवाल इतना बुरो कर रही है आपका एमसीडी यार, और कौन से कराओ यार। अरे पंजा ही लड़ रहे हो कि कुछ चुनाव के बारे में पता है? पता है भैया, पता है। हाँ जी, कौन जीत रहा है इस बार एमसीडी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी है सपोर्टर हम, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ वोट होगा तो प्रत्याशी यहाँ जो लड़ रहा है उसके नाम पे होगा या फिर मोदी के नाम पर होगा? मोदी के नाम पे होगा। मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे। बिल्कुल, केजरीवाल भी है फाइट में? ना केजरीवाल।